नमस्कार सभी भाइयों को नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं हम डायरेक्टरी बना रहे हैं, सभी भाई के ऊपर अपना नाम जल्द जल्द भेज दें। पहली डायरेक्टरी अगले महीने आ जाएगी और ये प्रांत और देश और पूरे वर्ल्ड की डायरेक्टरी होगी। इसमें सभी जाट भाइयों के नाम, फ़ोन नंबर, पते सब लिखा होगा। और साथ साथ हम इंटरव्यू शुरू कर रहे हैं, कुछ जाट भाइयों के इंटरव्यू आए हैं, शायद या कल या परसों से आपको इंटरव्यू की पूरी वो भी आ जाएगी। तो आज हम जैसे कि जानते हैं कि हम अपनी हिस्ट्री लेके आए हैं इसकी गोत्रों की, तो आज हम आपके सामने गुलिया गोत्र की हिस्ट्री लेके हाजिर हुए हैं। गुलिया एक प्रमुख गोत्र है, इसको स्थान स्थान पर अलग नामों से जाना जाता है, जैसे गुल्ले, गुलैया, गुलिया, गुलाय, गुला के नाम से। इनके प्रमुख जो है ये हरियाणा, वही बात है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। जानकारों के अनुसार ये जो गोरा जाटों की एक शाखा है और जो कि ये ज़्यादातर अफगानिस्तान में मिलते हैं। हमारी जानकारी के अनुसार सूर्यवंशी चक्रवर्ती सम्राट मंधाता, जो आर्यवर्त के प्रथम शासक इक्ष्वाकु के वंशज के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो सम्राट थे ये चक्रवर्ती हुए। इतिहास की पुस्तकों से ज्ञान होता है कि श्री राम के परिवार से संबंध रखते थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भी प्रथम राजा इक्ष्वाकु हुआ, पश्चात कुश्री, विष्णु, बाण, अनरण, त्रिशंकु, धनुमार, युवाना और दसवीं जो पीढ़ी थे, इनमें दसवीं पीढ़ी जो है ये जाके मंधाता हुए। इसी चक्रवर्ती सम्राट के ऊपर जो है माता गौरी के नाम से जो है ये उपाधि, गौर उपाधि धारण की थी इन्होंने। इसके जो आगे चल के ये जो कई शाखाओं में बट गए थे, इनके अलग अलग जो है जो मिलते हैं गौरवंश के आगे चल के, जैसे गुलैया, गुलैया, गुल्ले के नाम से भी इनको जाना गया। जानकारी के अनुसार जो है और आगे जो हमें डिटेल मिलती हैं ये प्राचीन कुल्ले जाति से हैं। यह पुराण के कुल्ले के वंश जैसे हैं। मार्कंडेय पुराण में इसे मध्य भारत में मत्स्य के साथ जिक्र करते हैं, इनका जो मत्स्य साथ इनका रिलेशन बनता है। जानकारी जो बताती है पुराण जो है कुलिया के नाम से लोगों का जिक्र मिलता है। अगर हम पूरी दुनिया के गोत्रों पर नज़र डालें तो पता चलता है कि आज भी कुछ जाति के वंशज गाल्लेत के नाम से जाने जाते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मंडटर और गुलिया वंश के ग्रीक के मलाटंड लेखकों से संबंध है इनका। ऐतिहासिक रूप यूरोप के लोग जो है वो वहाँ से होते हुए अफगानिस्तान से इंडिया में आए। एक शंका ये भी करीब 125 में बरोगा में भगवान बुद्ध के स्तूप पे जो है ये इसका संबंध भी मिलता है। यह स्कोयो के कामा गुलिया का भी याद दिलाती है। पृथ्वीराज चौहान के शासन काल में बदली गांव के रोहतक क्षेत्र तक राजा भद्र सुन और का शासक था जो उनका। उस समय दो जो थे सैयद सरकार और नासिर हुसैन मत से अतुल्ला महासदे काबुल से बारूद भरा बल्दी भरा सैयद के नेतृत्व में हरियाणा को नष्ट करने आए थे। भद्र सेन को मारकर नए शासन की स्थापना उन्होंने की थी। 1152 में जैसे कि आप जानते हैं तराई युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था या बंदी बना के अफगानिस्तान ले गए थे। इस युद्ध के दौरान 7 सैनिक वहां से भागकर दक्षिण बल्दी के मंदिर के यहाँ एक ब्राह्मण की शरण ली थी। जानकारी के अनुसार इंद्रगढ़ के उदय चंद्र के पुत्र थे, उनका नाम आलुसर रहल, असल महल और चहल था। उन्होंने मदिरा को पानी समझकर पी लिया और ब्राह्मणी की अशुद्धता को नष्ट कर दिया। वहीं से अपने पास घड़े और धांगा बांधा, तभी ये लोग गुलिया के नाम से जाने जाने लगे। बाद में बल्दी के निकट रहने लगे, हालांकि इस संबंध में पुख्ता साक्ष्य नहीं है। गुलिया जाटों की भी भाई अपनी खाप है, इनके लगभग 30 गांव, मतलब 30 गांव इकट्ठे हैं जो कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में अलग अलग ज़्यादातर हैं। अब हम चलते हैं गुलिया गोत्र के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने अपने
कार्य क्षेत्र में कार्य किए हैं। नवीन गुलिया ये जो फेमस पर्सनलिटी एस्ट्रोनॉट हैं, हरवीर गुलिया ये जो है वह जाट सेना में हैं, कंवर सेन गुलिया इंटरनेशनल एथलेटिक कोच हैं, हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, रमेश कुमार गुलिया क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द ब्रॉन्ज मेडल, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था कुश्ती में डेनमार्क में, प्रहलाद सिंह जो है ये डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है यूपी गवर्नमेंट में, डॉक्टर राजेश गुलिया एक्सपर्ट है ये जो है यूरो गायकोलॉजिस्ट जो है डॉक्टर है में इनको, राकेश गुलिया एमसीडी कॉन्ट्रैक्टर हैं चिराग दिल्ली के रहने वाले हैं, और सुरेंद्र सिंह गुलिया ये सोनीपत के मशहूर ठेकेदार हैं। तो भाइयों अब हम चलते हैं गुलिया के गांव के बारे में आपको बता दें, दिल्ली में रिठाला चिराग दिल्ली साहिबुलद्दीन बेगमपुर, उत्तराखंड में जो है ये है बहादुरपुर, शामली में कंजेर हेरी कंजर हेरी, और आपका मुजफ्फरनगर में बाजू बसूलपुर पंजौन, हापुड़ में चुटली अटूटा, और मेरठ में है रहुवाटी पस्त्रा। गुलियाओं का एक गांव भाई रतलाम में भी है गालिया के नाम से, सीकर में है बौंडा, चूरू में है रजडी, जोधपुर में उसरन, और आपके अमकसपुर केढ़ा मेंडवास रुब्बास, जयपुर में राजवास, महेंद्रगढ़ में है गहली मनवल, और गुलियाओं की धाणी बादली दरियापुर ढकला जहांगीरपुरी खेरी जट लाडपुर पैलपा यकूबपुर जैदपुर, और ये झज्जर में है भाई, एक ये पूरी गुलिया खापिन की जो मैंने नाम बताया आपको। पानीपत में दो गांव पर भाई हैं, उनका नाम नहीं पता लगा हमें भी। सोनीपत में 12 गांव हैं, ये जमुना किनारे में डबिट्टा महलाना पुरखास, कृपया इसमें कोई नाम रह गया हो तो कृपया पूरा करें, बादली रुड़की सिंहपुरा सबती ये जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट में है। तो भाइयों ये हिस्ट्री थी गुलियाओं की, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, कृपया लिख के भेजे कमेंट अवश्य करें अगर कोई गांव रह गया हो तो, या कोई हमारा भाई जिन गुलियाओं में तरक्की करी हो तो उसके बारे में अवश्य बताएं। इसी के साथ धन्यवाद, जय जाट।